अब बात नीरज चोपड़ा की। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। नीरज ग्रुप बी के क्वालिफिकेशन में सबसे पहले शुरुआत करने आए और उन्होंने अपना इस सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पहले ही प्रयास में 89.34 मीटर का थ्रो किया, जो 84 मीटर के क्वालिफिकेशन मार्क से काफ़ी आगे था। नीरज ने अपने स्वर्ण पदक के बचाव की बेहतरीन शुरुआत की है और उनसे फाइनल में भी इसी तरह के शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं एक और भारतीय एथलीट किशोर जैना ने क्वालिफिकेशन में 80.73 का स्कोर हासिल किया और वे फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। अब सभी भारतीयों की नज़र 8 अगस्त को होने वाले जैवलिन थ्रो फाइनल पर लगी हैं, जब नीरज चोपड़ा एक बार फिर से भारत की ओर से स्वर्ण पदक की दावेदारी पेश करते नजर आएंगे। तो पेरिस ओलंपिक में जैवलिन थ्रो के क्वालिफिकेशन इवेंट में नीरज चोपड़ा का सीजन बेस्ट प्रदर्शन देखने को मिला। नीरज ने अपने पहले ही थ्रो में 89.34 मीटर का मार्क हासिल करते हुए अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया। पेरिस ओलंपिक में नीरज का जादू फिर से चला। क्वालिफिकेशन में नीरज ने अपने पहले ही थ्रो में 89.3 मीटर का थ्रो करके सभी को भौचक्का कर दिया। नीरज ने एक ही थ्रो में जिस तरह से क्वालिफाई किया, जैसा वो टोक्यो में करके आए थे, अगर उनका यह प्रदर्शन फाइनल में भी चला तो निश्चित तौर पर भारत की उम्मीदों पे वो खरा उतरेंगे। देश को नीरज से पहले ही काफी उम्मीदें हैं और आज जब वो क्वालिफिकेशन में प्रैक्टिस कर रहे थे तभी से वो बिल्कुल कूल एंड कंपोज दिख रहे थे। और अपने पहले थ्रो में नीरज ने डिसाइड कर रखा था कि बिल्कुल क्वालिफिकेशन का 84 मीटर का जो मार्क है, बेंचमार्क है, उसको क्रॉस करना है, लेकिन नीरज उस बेंचमार्क से कहीं आगे पहुंचे। अगर इसी तरह का नीरज ने अपना फॉर्म बरकरार रखा तो उम्मीद है कि फाइनल में वो 90 का बेंचमार्क भी क्रॉस कर देंगे। कैमरामैन सेंथिल, मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, पेरिस।